हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे 7 सीड ग्रैनोला, जो बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही हेल्दी होता है, हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे हमें हेल्दी फैट मिलता है। हमें अपनी रोज़ की डाइट में इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए, जिसके लिए मैंने लिया है आधा बाउल मस्कमेलन सीड, आधा बाउल पम्पकिन सीड, आधा बाउल सनफ्लावर सीड, आधा बाउल वाटरमेलन सीड, आधा बाउल सेसमी सीड, आधा बाउल फ्लैक्स सीड, क्वार्टर बाउल शिया सीड, आधा बाउल ब्लैक रेजिन्स, हाफ टी स्पून इलायची का पाउडर, हाफ टी स्पून दालचीनी का पाउडर, 3 से 4 चम्मच हनी, और इसके अलावा हम लेंगे 3 से 4 चम्मच नारियल तेल या बटर। मैंने इन सभी सीड्स को पहले से ही 3-3 मिनट लगभग रोस्ट करके रख लिया है। आप सबसे पहले इन सबको अलग अलग करके रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद मैं इन सबको एक पैन में मिक्स कर रही हूँ। एक एक करके सारे सीड्स में डालती जा रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी होता है। मैंने इसमें इलायची और दालचीनी का पाउडर भी मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। लगभग 3 से 4 अच्छे से मेल्ट करके डालना है। अगर आप बटर ले रहे हैं तो बटर को भी अच्छे से मेल्ट करके डालेंगे। मैं इसमें 3 से 4 चम्मच हनी डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ये बंधने जैसे लगना चाहिए। ये देखिए, मैं चेक कर रही हूँ कि ये बंध चुका है। अब मैं इसको इस ट्रे में जमा दूंगी। इस ट्रे में मैंने क्लिंग शीट लगा रखी है। आप चाहे तो पार्चमेंट पेपर भी लगा सकते हैं। इन सबको अच्छे से मैं निकाल के पैन में से ट्रे में डाल रही हूँ और उसके बाद मैं ट्रे में इसको अच्छे से दबाकर प्रेस करूंगी। ये देखिए, मैं इसको अच्छे से लेवल कर रही हूँ। अब मैं इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अब ये मैंने इसको फ्रिज में से निकाला है। 2 से 2.5 घंटे फ्रिज में रखने के बाद हम 5 से 7 मिनट का रेस्ट देंगे और उसके बाद इसको कट करेंगे। ये बहुत ही यम्मी होता है। ये देखिए, मैं इसको कट कर रही हूँ। ये फ्रिज में रखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा टाइट लग रहा है, बाकी खाने में ये सॉफ्ट रहता है। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही हेल्दी लगता है। ये देखिए कितना कलरफुल है। तैयार है हमारा 7 सीड ग्रैनोला। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।